गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल फॉर यू। दोस्तों, दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल फॉर जुलाई मंथ इज हैपनिंग फॉर यू एंड आई एम श्योर आप सब लोग एकदम खुश होंगे, मजे में होंगे और बारिश का लुफ्त उठा रहे होंगे। यस दोस्तों, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लैट, यू कैन से 2021 प्रोग्राम। हम आपके लिए ये क्लैट 2021 प्रोग्राम के तहत ये कोर्स लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप क्लैट 2020 दे रहे हैं तो भी आप इसको देखते रहिए, बिकॉज आई एम श्योर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए ग्रेट दोस्तों, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट। एनरिका लेक्सी, ठीक है, 2016 में फ्रांस के एक मजेदार सा शिप आया था एनरिका लेक्सी। उन्होंने इंडिया के कुछ फिशरमैन को लेकिन से मारा, ठीक है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ओके, और उसके बारे में हमने केस कर दिया। अब क्या हुआ केस के बारे में, दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मोहित महेंद्र ना बोलते, सर यू टोल्ड इन द लास्ट सेशन दैट नो नीड टू फोकस ऑन मेकिंग नोट्स ऑफ सीए, बट सर आई एम मेकिंग नोट्स ऑफ सीए फ्रॉम योर डेली वीडियो, सर वॉट शुड आई डू? यू शुड, है ना, इफ यू थिंक यू वॉन्ट टू मेक नोट्स, प्लीज मेक इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ग्रेट, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों भारत का, है ना। अब आपको बताने, भारत में पहली बार रेलवे, है ना, कौन से साल में चालू करी गई थी दोस्तों? यस, ठीक है, कौन से साल में ये चालू करी गई थी? ठीक है, ओके। रवि शर्मा, सर आप कल लाइव लेने वाले थे, हम वेट करते रह गए, आप आए नहीं, ठीक है, आपकी कोई खबर? बिल्कुल, मैं मतलब लेने वाला था कल लाइव, ठीक है, बट मैं उसको कल लूँगा, कल मॉर्निंग के में करीब आएगा, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ओके चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है। सो बेसिकली ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या क्या पता होना चाहिए, है ना, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि भाई ये रेलवे पहली बार कब चालू हुआ था, ये सुनो, ठीक है, कहाँ से कहाँ हुआ था, ठीक है, ये बताना है। अभी इंडिया में इज देयर अ प्राइवेट रेलवे नेटवर्क, ये सुनो, कौन सा है, कौन उसको मतलब कहाँ से कहाँ तक का, ओके, दिस इज व्हाट यू शुड नो। न्यू डिफेंस वेपन्स परचेज अप्रूवल, वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, है ना, इंडिया और चाइना के लिए क्या सिनारियो, क्योंकि अभी अब ये जो भी हम डिफेंस परचेज करें दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, ये सर नो, तो हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, है ना। ये ज़्यादातर से प्लेन्स के बारे में बात होने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वाड्रन, ठीक है दोस्तों, स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में कितने प्लेन होते हैं, ठीक है, ये बताइए, मजेदार है ये, थोड़ा सा डीपर जा रहा है। धर्म चक्र, ठीक है दोस्तों, धर्म चक्र में आई एम श्योर यू नो अशोक चक्र, अशोक चक्र धर्म चक्र, धर्म चक्र में 24 स्पोक, है ना, ये धर्म चक्र कौन से रिलीजन से आया है, ये सुनो, हम बात करेंगे धर्म चक्र डे, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रशिया, बड़ा रेफरेंडम करा गया, ठीक है, एंड दैट्स हाउ द सिनेरियो डेवलप, एंड एलिफेंट्स डेथ इन बोट्सवाना, काफ़ी ज़्यादा लेकिन से परेशानी हो रही है ना, बोट्सवाना में काफ़ी ज़्यादा परेशानी, ठीक है, इज दिस कम्फर्टेबल टू एवरीवन? ग्रेट, ओके चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, तो हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये दुनिया कैसे चल रही है, ठीक है, ओके ओके ठीक है, चलो ग्रेट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये बातें करते हैं। कुछ रवि साहब कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं उनकी बातें YouTube ने ब्लॉक करके रखी है, तो दैट विल बी गुड। लॉजिकल रीजनिंग के सेशन चल रहे हैं दोस्तों 1 PM, ठीक है, जनरली इट इज़ 1:10 क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की स्कूल होती है, ठीक है, सो दे कम एट लेटर स्टेज, सो 1:10 PM इज़ अ टाइम वेर इट इज़ हैपनिंग, ठीक है, एवरी डे लॉजिकल रीजनिंग। इस वीक में तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस वीक में लीनियर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो होने वाला है, ठीक है, पूरा लीनियर होगा, फिर उसके बाद सर्कुलर होगा, है ना, बेसिक से लेकर कॉम्प्लिकेटेड हर तरीके के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इज दिस कम्फर्टेबल? ठीक है, व्याभिषेक, 12 से 24 स्क्वाड्रन में होते हैं, ना जी, इंडिया में टोटल कितने स्क्वाड्रन है, ठीक है, ये भी बताइए। चलिए 16 से 18 फाइटर स्क्वाड्रन, बिल्कुल ऋषभ ने सही नंबर बताया, इंडिया में टोटल स्क्वाड्रन कितने हैं, ये सुनो, इंडिया में टोटल स्क्वाड्रन कितने हैं, ये बताइए दोस्तों, इज दिस कम्फर्टेबल? ग्रेट। उसके अलावा अब हम चलते थोड़े से इनर वॉइस के बारे में बात करने के लिए, सो देयर इज अ शुभ, शुभ एक बहुत अच्छे क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छे क्लब के अंदर गए होंगे रात को और मजेदार सा फोटो खिंचाया और वही फोटो उन्होंने हमें भेजा, ठीक है,
और उन्होंने बताया, सर यूट्यूब चैनल हेल्प मी अ लॉट इन क्लियरिंग माई डाउट, आई डोंट नो द नेम ऑफ द मैम, मैडम का नाम है नम्रता मैडम, ओके, सो नम्रता मैडम विल हेल्प यू विथ ऑल योर लॉजिकल रीजनिंग एंड स्लोली शी विल एड लॉट ऑफ कंटेंट ऑन मैथमेटिक्स एज वेल, ठीक है, सो विथ अ फ्रेश टॉपिक एवरी डे विथ लॉजिकल ट्रिक्स, ठीक है, दैट हेल्प मी इन बूस्टिंग माई लॉजिकल पोर्शन ऑफ द क्लैट, मैम गिव्स मी टाइम टू क्वेश्चन एंड ऑल्सो टेक ईच क्वेरी ऑफ ईच स्टूडेंट एंड सॉल्व इट, बिल्कुल मैडम बहुत शांति से और डिटेल में जाकर पढ़ाती हैं, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा तेज़ वाला आदमी हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा तेज़ी से पढ़ाना अच्छा रहता है, बट एनी वे, सो एवरी वन इज़ डिफरेंट इन दैट वे, द एफर्ट्स मेड बाई मैम टू क्लियर द कंसेप्ट इज गुड, ठीक है, एंड यू हैव ऑल्सो गिवन पॉजिटिव वर्ड टू आवर करंट अफेयर मॉड्यूल एंड यू हैव ऑल्सो गिवन अ वेरी पॉजिटिव वर्ड टू आवर रेगुलर सेशंस ऑन मोटिवेशन, ठीक है, बिलीव मी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, तो ये ज़रूरी है, थैंक यू शुभ, आप ये बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, है ना, आपकी एग्जाम तक हम आपको मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड देन अमर नागसेन लिखते हैं कि सर आई एम अमर, आई एम प्रिपेरिंग फॉर क्लैट सिंस लास्ट 2 ईयर, ठीक है, ही गॉट 97%, ठीक है, ही क्लियर क्लैट एंड स्लैट, उसका NLU सॉरी SLS नोएडा और CNLU में एडमिशन हो गया था बट ही रिफ्यूज, ही इज प्लानिंग दिस ईयर, लेट्स सी अमर गुड, हम चाहेंगे कि आप ऐसी मेहनत करें कि आप पहुंचे सीधे अगेन से NLSIU बैंगलोर इस साल, ठीक है, सो मेहनत करें दोस्तों, दिस इज इम्पोर्टेंट, और शशांक सिंह करके एक अच्छे भाई साहब है, उन्होंने तो एक पोयम ही लिखी हमारे लिए, ठीक है, तगड़ी पोयम लिखी है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है ना, इन्होंने लिखा, एज टीचर्स गो यू आर द बेस्ट, ठीक है, यू शाइन अबव ऑल द रेस्ट, सो एक्सेप्ट माई थैंक्स फॉर ऑल यू डू, वी आर वेरी लकी एज अवर टीचर इज यू, हाउ कैन आई थैंक यू, लेट मी काउंट द वेज, थैंक यू फॉर 200 वेरी स्पेशल डेज, एन एप्पल फॉर आवर टीचर वुड नेवर बी इनफ फॉर टीचिंग अस अबाउट द वर्ल्ड एंड लॉट्स ऑफ अदर स्टफ, थैंक यू फ्रॉम माई डीप हार्ट, शशांक सिंह थैंक यू, आप अपना फोटोग्राफ दिए होते तो बहुत अच्छा होता, आई लव यू एवरी वन, आप सब लोगों का प्यार बरकरार है दोस्तों, और आप अपने इस तरीके के पॉजिटिव वर्ड आप हमें दे सकते हैं protalentdigital@gmail.com के ऊपर, दोस्तों आप अपने फोटोग्राफ के साथ वहां भेजिए, आप गूगल पे भी हमारा रिव्यू, हमें रिव्यू दे सकते हैं दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, गूगल के ऊपर फेसबुक के ऊपर अच्छा सा रिव्यू दीजिए दोस्तों, दैट विल बी वेरी गुड, है ना, थैंक यू शशांक सिंह, ओके ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है, आज हम बात करते हैं एनरिका लेक्सी, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA has published an extract of the final award of ad hoc tribunal constituted to settle the dispute related to UNCLOS, that is United Nations Convention for Law on the Seas. ठीक है, this is regarding Italian marine case between India and Italy. तो देखिए दोस्तों, ये एनरिका लेक्सी है, ठीक है, दिस आर द टू पीपल हु आर ड्राइविंग दिस, ठीक है, इट हैज रिजेक्टेड इंडियाज कंटेंशन दैट द सोल्जर्स हु आर एक्यूज किलिंग ऑफ इंडियन फिशरमैन कुड बी ट्राइड इन इंडियन कोर्ट्स एंड ऑर्डर्ड इंडिया टू सीज ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये काम किया है, ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या है, इन 2012 इंडियन पुलिस हैड डिटेन दिस टू इटालियन मरीनर्स, ठीक है, दे वर पोस्टेड ऑन ऑयल टैंकर कॉल्ड एनरिका लेक्सी, ठीक है, ये लोग इंडिया में एंटर कर रहे थे और वहाँ पे कुछ फिशरमैन की बोट जा रही थी, उनको लगा दैट दिस आर द पीपल हु आर गोइंग टू अटैक ऑन देम, यस, ठीक है, सो उन्होंने उनके सामने गोली चलाई, ठीक है, दे अपेरेंटली मिस्टेकन देम एज पायरेट्स एट केरला कोस्ट, दोस्तों ये मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है, है ना, इस बात को समझना, क्योंकि इतनी बड़ी शिप और ये फिशरमैन है और वो फिशरमैन बहुत कॉमन, केरला कोस्ट में फिशरमैन बहुत कॉमन होते हैं, उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आई डोंट थिंक कि कोई भी शिप को ऐसा लगेगा कि ये पायरेट्स है और वो उनकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट दे कैन वेट, ठीक है, एटलीस्ट दे कैन वेट, बट दे डिड नॉट, आफ्टर 3 ईयर्स इटली मूव्ड इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज ITLOS पे पहुंचे सीकिंग फॉर टू इटालियन मरीन्स टू स्टे इन देयर ओन कंट्री
ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस एंड ऑल्सो टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम गोइंग अहेड विद एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. एट दैट टाइम इंडिया हैड सेट अप स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट एज ऑर्डर्ड बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, इंडियाज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैड ऑलरेडी स्लैप लॉट ऑफ चार्जेस ऑन देम. ठीक है ना, विच इज आईपीसी के द्वारा उनके ऊपर चार्ज लगा दिया, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, मिसचीफ एंड कॉमन इंटेंट. ओके, ये सब चार्जेस उनके ऊपर लगा दिए गए. द ITLOS जजमेंट्स ऑफ 2015 कॉल्ड ऑन इटली एंड इंडिया टू सस्पेंड ऑल डोमेस्टिक प्रोसिक्यूशन अराइजिंग फ्रॉम एनरिका लेक्सी केस. इट हैड ऑर्डर्ड नॉट टू इनिशिएट एनी स्टेप्स दैट माइट जियोपार्डाइज, दैट माइट डेंजर और प्रेजुडाइज कैरिंग आउट एनी डिसीजन विद द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. सो ये जो PC है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वो एक तरीके से आर्बिट्रेशन है ना. हम वहाँ पे जाएंगे तो आर्बिट्रेशन के द्वारा वहाँ पे आउटपुट आएगा. अगर हम उस आउटपुट को मानेंगे तो अच्छी बात है. ठीक है, अब वो आउटपुट अगर क्या आएगा, कैसे आएगा, उसके ऊपर सब कुछ होगा. द मैटर लेड टू लॉन्ग फ्रीज इन द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली विच वर रिसेट ओनली इन 2016 में हमने रिसेट किया था और ये परेशानी तो बढ़ने लगी. ठीक है, गार्गी बोलते हैं, सर इजंट इट अनफेयर अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन दे शुड बी ट्राइड इन इंडिया ओनली. नाउ द आइडिया इज है ना, आप गए हो आर्बिट्रेशन में, ये सुनो. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आर्बिट्रेशन कोर्ट आपको बोल रही है कि आप कैसे इंडिविजुअल IPC नहीं करिए, है ना. और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी वो बात मानी ना कि एक नई कोर्ट बनाइए, स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट करिए. तो आर्बिट्रेशन ने बोला कि आप अपने लोकल चार्जेस हटा दीजिए, वी विल कीप अ चार्ज ऑन देम, ये सर दो हम डिसाइड करेंगे. इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो जजमेंट इन फेवर ऑफ इंडिया क्या हुआ? ट्राइब्यूनल हेल्ड दैट द एक्शंस ऑफ इटालियन मिलिट्री ऑफिसर्स ब्रीच्ड India's freedom of navigation under UNCLOS Article 87(1)(a) and 90. Tribunal also held that India is entitled for payment of compensation in connection with the loss of life, physical harm, material damage to the property, moral harm suffered by the captain and crew of Saint Anthony, the Indian vessel. So it was Enrica Lexie and against Saint Anthony. ठीक है, सेंट एंटोनी के खिलाफ था ये, यस नो? चलिए ग्रेट दोस्तों. ठीक है, तो ऐसा कहानी हो रहा था. नाउ जजमेंट इन फेवर ऑफ इटली क्या हुआ? इंडिया हैड कॉल्ड ऑन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन UNCLOS ट्राइब्यूनल टू एडजज एंड डिक्लेयर PCA डिक्लेयर दैट PCA हैज नो ज्यूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द केस सबमिटेड टू इट बाय इटली. इटली ने केस सबमिट किया PCA में, इंडिया ने बोला PCA का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है. हाउएवर majority of court's 5-member bench ruled 4-1 that it had jurisdiction in this matter. है ना, अब इंडिया इज अ सिग्नेटरी तो मानना पड़ेगा. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. ठीक है, ओके, बहुत सारे पॉइंट आ गए, ग्रेट. ठीक है, लॉ इन पावर भी अभिषेक बोलते हैं, कुलभूषण जाधव केस एट स्टे इन वियना कन्वेंशन, बिल्कुल. ठीक है, मास्टरली चेजर, सर एस क्लैट इज इन ऑगस्ट नाउ, देन वॉट डू यू थिंक दैट फ्रॉम विच मंथ CA to be important for CLAT 2021. हो CLAT 2021 तो आप मान के चलिए मई महीने से आपके एग्जाम तक का होगा, ये मान के चलिए. ठीक है, इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट. सो द स्कोप ऑफ इनजस्टिस बींग डिलीवर्ड विल इंक्रीज दिस वे. नो, दिस इज नॉट इनजस्टिस, समझिए. ठीक है, इटली ने बोला उनका से आर्बिट्रेशन का से मॉड्यूल है कि नहीं. ठीक है, इंडिया ने बोला नहीं है. ठीक है, अब वो आर्बिट्रेशन बॉडी डिसाइड करेगी ना. ठीक है, वैसा इटालियन पोजीशन दैट द मरीन्स, ठीक है, बीइंग मेंबर ऑफ इटालियन आर्म फोर्सेस इन द ऑफिशियल एक्सरसाइज कैन नॉट बी ट्राइड बाय इंडियन कोर्ट बिकॉज दे वर द आर्मी पीपल, मरीन नेवी पीपल, एंड दे वर हेल्ड एंड इम्यूनिटी वॉज ग्रांटेड टू इटालियन मरीन ऑफिशियल. तो उनके पास तो इम्यूनिटी थी. आई एम श्योर यू नो इम्यूनिटी, यस और नो? ठीक है, ये इम्यूनिटी इनको मिली है तो आप इसके ऊपर केस तो नहीं कर सकते. द ट्राइब्यूनल ऑब्जर्व्ड दैट इंडिया एंड इटली हैड कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन ओवर द इंसिडेंट एंड अ वैलिड लीगल बेसिस टू इंस्टीट्यूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मरीन्स.
ठीक है। सो दोनों का कॉन्करेंट है, मतलब इंडिया भी कर सकता था और इटली भी कर सकता था। हाउएवर इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द इम्यूनिटीज एंजॉयड बाई मरीन्स एज स्टेट ऑफिशियल ऑपरेट एज एन एक्सेप्शन टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन कोर्ट एंड हेंस दे विल बी यू कैन से मरीन एंड दे विल बी ट्राइड बाई पी सी ए। इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों, ठीक है। सो कुलभूषण वॉज एन एक्स नेवी, ओके, सो देयर बाय द गेम इज वेरी डिफरेंट। वेल दिस पीपल वर ऑन ड्यूटी, ओके, देयर बाय द गेम इज वेरी डिफरेंट। इज दिस वेरी क्लियर? ग्रेट दोस्तों, ठीक है। सृष्टि बंसल बोलते हैं कि सर प्लीज मेक अ सेपरेट लाइव चैट प्लेटफॉर्म फॉर 2020 एंड 2021 स्टूडेंट्स विद कंबाइंड चैट प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट्स आर एंट एबल टू टेक देयर डाउट्स प्रॉपरली। ओके सृष्टि, दैट इज डिफिकल्ट, वेट टिल 22nd of August, उसके बाद दुनिया सेपरेट हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, इज दिस क्लियर? ग्रेट। सो दिस इज परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आपके सामने दिख रहा है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1899, हेडक्वार्टर वॉज हेग इन नेदरलैंड्स एंड इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्राइमरली फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन दी मेंबर कंट्रीज। इट हैज ऑल्सो फाइनेंशियल असिस्टेंस फंड इज ऑल्सो अवेलेबल। सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, हेग नीदरलैंड पीस पैलेस पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे बाय इन्वाइटिंग RFQ। वॉट इज RFQ? रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन टू प्राइवेट प्लेयर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेस। पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज में ये अवेलेबल है भैया, अब ये चालू करने की कोशिश है, देखते दोस्तों, ठीक है। आपको बता दूं, इंडिया में एक कोंकण रेलवे है, क्या है भैया? कोंकण रेलवेज, ठीक है। ये कोंकण रेलवेज इज बिटवीन मुंबई टू गोवा, यस, कोंकण रेलवे इज बिटवीन मुंबई टू गोवा, है ना, कोंकण रेलवे है भैया ये, बॉम्बे टू गोवा है ये, ठीक है। और ये एकमात्र प्राइवेट रेलवे नेटवर्क है इंडिया का, ठीक है, ये मैंने आपको सवाल पूछा था, ठीक है, यस, ठीक है। सृष्टि बंसल बोलते हैं कि सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एनरिका लेक्सी, दैट्स अ नेम ऑफ द शिप, ओके, जो शिप लेकर आए थे वो लोग, उसका नाम है ये, बराबर है, ये उसका नाम है। इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट, ठीक है। मुंबई टू गोवा का ये, ठीक है। सो दोस्तों, अंडर दिस एटलीस्ट 151 मॉडर्न ट्रेन्स विल बी इंट्रोड्यूस एंड 109 पेयर्स ऑफ रूट्स विल बी प्लान्ड आउट फॉर द प्राइवेट ऑपरेशंस। ट्रेन सेट्स हैव टू बी ब्रॉट बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स एंड मेंटेन बाय देम, ठीक है। ट्रेन उनको लेकर आनी है, परचेज वो करेंगे, ठीक है, और मेंटेन भी वही करेंगे। फेयर्स इन द प्राइवेट ट्रेन विल बी कंपिटिटिव एंड प्राइसेस ऑन द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक एयरलाइन बसेस हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द फेयर, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन विल ओनली बी 5% ऑफ टोटल ऑपरेशंस ऑफ रेलवे। रेलवे का जो टोटल ट्रेन चलेगी उनमें से 5% प्राइवेट होगी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 95% ट्रेन्स विल बी रन बाय द इंडियन रेलवे। द प्रोजेक्ट विल ब्रिंग प्राइवेट सेक्टर सम अराउंड 30,000 crore इन्वेस्टमेंट, ओके, ये इंडिया को बहुत चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया को बहुत सारे प्लेन खरीदने हैं। सो इतने सारे प्लेन खरीदने हैं तो दोस्तों पैसा तो चाहिए ना, कहाँ से आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें बेचनी पड़ेगी तो आएगा, ठीक है। एक राफाल का प्लेन कितने का आता है? 1600 crore rupees का एक प्लेन है राफाल का। क्या करेंगे हम दोस्तों, बेचना पड़ेगा बहुत सारा सामान, तब आएगा, ठीक है। ऑफन कॉल लाइफ लाइन ऑफ अगेंस्ट ए नेशन, इंडियन रेलवे रन्स मोर देन 14,300 ट्रेन्स, इट कैरीज ओवर 13 million पैसेंजर डेली, ठीक है, बिल्कुल। आप जहाँ से आप ये सामान उठा के लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वास्को डिगामा एक्सप्रेस भी है, तो है सर गोवा जाने के लिए। गोवा जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं, ठीक है, थीके? वो ट्रेन इंडियन रेलवे की है, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई टू गोवा, ठीक है, इज अ ट्रेन जो रूट है, ठीक है, वो कोंकण रेलवे प्राइवेट ने बना के रखा है, ठीक है, और इसीलिए वहाँ से लिमिटेड ट्रेनें जाती है। और वो एक जो ट्रेन है, ठीक है, जो डे टाइम की एक ट्रेन है कोंकण टू गोवा, है ना, बॉम्बे टू गोवा की, दैट इज़ प्राइवेट ट्रेन, ओके, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सा रूट है दोस्तों, अगर आपको कभी जाना हो गोवा,
प्लीज़ कोशिश करिएगा बॉम्बे से गोवा लीजिएगा ट्रेन का रूट, और जनरली उसको रेनी सीजन में लीजिएगा। इतने सारे टनल, उस टनल के साथ साथ इतने सारे आपको वाटरफॉल्स दिखेंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम 100 वाटरफॉल तो दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है ना। आप जाइएगा यही सीजन में, दैट इज रेनी सीजन में, ठीक है। ओके ग्रेट सर, प्लीज़ टेल दैट प्राइवेट कंपनी विल बैर द लॉस ऑफ रेलवेज। नहीं ना, ठीक है भाई, रेलवे का लॉस अलग है, प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, ये काम आपका है, आपको लाइसेंस लेना है हमसे, हम आपको लाइसेंस देंगे, उसका पैसा लेंगे, फिर आपको बिजनेस करना है, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, टू डेवलप इंडिया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड ट्रैवल सर्विसेज टू ऑल पैसेंजर्स, सो दिस इज वेरी मच नीडेड, ठीक है। 2019-20 डेटा के मुताबिक रेलवे फेरीड अराउंड 840 करोड़ पीपल इन 2019-20, अबाउट 5 करोड़ पैसेंजर कुड नॉट बी एकोमोडेटेड, मीनिंग देयर वेट लिस्ट टिकट्स वर ड्रॉप्ड, ठीक है, ह्यूज ड्यूरिंग द बिजी सीजन समर सीजन, 13.3% पैसेंजर्स वर नॉट एबल टू गेट कन्फर्म रिजर्वेशन, ठीक है, एंड देयर बाई दिस इज रियली नीडेड कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इंक्लूड करो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिडक्शन इन ट्रांसिट टाइम, ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से ये कहानी डेवलप हो रही है। व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है, कन्फर्म टिकट्स एंड फास्टर ट्रेन्स फॉर द पैसेंजर, इट विल इम्प्रूव, क्योंकि प्राइवेट पीपल विल कम, ठीक है, ट्रेन्स वुड रन फास्टर एंड वुड बी सेफर एंड प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज, ठीक है। आई थिंक ट्रेन वुड रन फास्टर, सेफ्टी इज अ बिग इश्यू, आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट, बट यस फैसिलिटीज विल बी हाई। दोस्तों अगला एक डिकेड, ठीक है, इज अबाउट रेलवेज, ये मान के चलना, दोज पीपल हु कुड डेवलप देयर बिजनेसेस इन रेलवेज टूडे विल हैव अ फ्यूचर, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, ये बड़ा फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, सर व्हाट अबाउट तेजस एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस इज रन बाय IRCTC, ये सुनो, ठीक है दोस्तों। अब वैसा ही बहुत सारे और प्राइवेट प्लेयर आएंगे, अभी तो IRCTC गवर्नमेंट की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है पर गवर्नमेंट की कंपनी है, अब पब्लिक लिमिटेड बन गई, उसका IPO आ चुका है, ये सुनो, अब प्राइवेट लोग अंबानी है ना, अदानी, ये सब लोग आएंगे और बड़ा बिजनेस डेवलप होगा, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एम्फसाइज दैट द मेजोरिटी ऑफ ट्रेन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया स्कीम, बिल्कुल सही बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी अब, है ना, ठीक है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग करने में आएगा ऐसा काम, है ना। रिडक्शन इन द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द ट्रेन कोचिज, ट्रेन कोचिज नाउ रिक्वायर्ड मेंटेनेंस आफ्टर दे रन 4000 किलोमीटर, बट मॉडर्न कोचिज वुड नीड मेंटेनेंस आफ्टर एवरी 40,000 किलोमीटर और वंस और ट्वाइस इन 30 डेज, दिस इज ह्यूज, ठीक है। सो रिडक्शन इन रेलवे लॉसेस, बड़ा फायदा होगा, प्रोवाइड रेवेन्यू टू रेलवेज फॉर फ्यूचर ऑपरेशन, प्राइवेट एंटिटी विल पे फिक्स्ड, यू कैन से हॉलेज चार्जेस, एनर्जी चार्जेस एज पर एक्चुअल कंजम्पशन एंड शेयर इन द ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है, सो दिस विल बी ह्यूज, और अच्छी अच्छी नौकरियाँ डेवलप होगी। क्या भैया इश्यूज है, बड़ा इश्यू है कि भैया ये फेयर प्राइसेस आएगी कि नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल मेरा मानना है कि ये फेयर प्राइसेस नहीं होगी, हायर प्राइसेस ही होगी, ये तो मान के चलिए, और हायर प्राइसेस होगी, ठीक है, तभी तो बिजनेस हो पाएगा ना दोस्तों, है ना, बिजनेस के एंगल से देखना है। एंड ऑल्सो कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है ना, उनके इंटरेस्ट बिल्कुल परेशानी होगी, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, ये सुनो। सो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, अब ये रेलवे प्राइवेटाइज होगा तो क्या होगा, इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन, यस, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है ग्रेट। सर मेक इन इंडिया लायन इज मूविंग इन चाइना स्ट्रीट, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, वो तो ऑब्वियसली चाइना स्ट्रीट में तो उसको दौड़ाना पड़ेगा, ये सुनो, क्योंकि जब तक वो दौड़ेगा नहीं ना, तो चाइना को हम कैसे मात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ऐप बनाने चालू करे जो इंडिया वाले हैं, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, आज का वीडियो बहुत काम का है दोस्तों, इतने सारे लोग हैं वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक तो कर दीजिए ना दोस्तों, दिस इज वेरी मच नीडेड, ठीक है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड सेवरल प्रपोजल दैट विल बूस्ट द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल थ्री सर्विसेज, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। दोस्तों मैं आज ये एयरफोर्स पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, है ना। सर आप गलत क्यों बोल रहे हो, तेजस इज अ प्राइवेट ट्रेन, विकास तेजस ट्रेन जो बनाई वो प्राइवेट कंपनी ने नहीं बनाई, वो रन प्राइवेट बॉडी कर रही है, ठीक है,
ये समझो इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना, ठीक है, गलत नहीं है, बराबर है। तेजस प्राइवेट ठीक है, इसे बॉडी रन कर रही है, तो जो IRCTC है ना उसको जो ट्रेन बना के आया उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, वो उसको रन कराने में दिक्कत होगी वैसा। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, तो विकास ऐसा हम गलत नहीं बोलते हैं, है ना, हम कोशिश करते हैं हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है, चलिए ग्रेट। सृष्टि बंसल, सर प्लीज टेल व्हाट विल बी द शेयर ऑफ गवर्नमेंट नाउ आफ्टर प्राइवेटाइजेशन और देयर विल बी नो शेयर। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके से ये लोग उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बराबर है। हाँ, जो ट्रेन ट्रेन रनिंग है ना उसमें 5% शेयर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, बराबर है। पर मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे ट्रैक बनाना, ये सब में क्या, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, वो तो आगे बढ़ेगा जब देखेंगे, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, ठीक है, रवि शर्मा के पास भगवान ने सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा दिया है, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों। अब ये डिफेंस काउंसिल के बारे में बात हो रही है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विच इज हाईएस्ट डिफेंस डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो आपके सामने दिख रहे हैं, कौन है इनमें से, ये भाई साहब, ठीक है ना, वो इसके हेड है, ठीक है, ये हेड है, ठीक है। विकास जायसवाल, आप अभी समझ ही नहीं रहे, आप अभी भी बोलो इसका स्टेटस प्राइवेट ही है, है ना, आप पूरी सिस्टम समझिए, है ना, ये जो रेलवे है ना वो बहुत सारी चीजें करता है, रेलवे ट्रैक बनाकर रखता है, ठीक है, वो कंपनियां अलग है, ठीक है, रेलवे है ना जो कोचिज बनाता है वो कंपनियां अलग है, ये सुनो, ठीक है, रेलवे की ट्रेन रन करना, ठीक है, वो अलग से है ना, ये एक सर्विस इन्होंने अलग प्राइवेट के किसी के हाथ में दे दी है, ठीक है ना, तो बहुत बड़े बड़े अंतर है, बराबर है विकास, आप ऐसा ना देखें, है ना, आपको समझना है पूरी बातों को, ठीक है, तब आप उस चीज़ों को समझ पाएंगे। आप इसको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया देखेंगे ना तो आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे अपनी कैपेबिलिटी को, है ना, सो ये ध्यान रहे। ओके, इट वॉज फॉर्म आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेड रिफॉर्मिंग नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001 पोस्ट कारगिल, ठीक है, ये उन्होंने किया था। इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों, ठीक है, ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों। विल और ऐप रिप्लेस ऐप ऑफ चाइना और दे विल लाइक आरोग्य सेतु अनसेफ, ठीक है दोस्तों, आई डोंट नो whether Indian app will replace it. I think the mindset is needed by the government to stop all external stuff, especially on the digital platform. ठीक है ना, अच्छा अगर ऐसा हमने किया तो आप सोचिए ना, हमने USA की ऐप अगर बंद कर दी ना, Google, Facebook, तो क्या बर्बादी हो जाएगी आपका और मेरी पढ़ाई, कितनी बर्बादी हो जाएगी Google बंद हो जाएगा तो, ये सुनो, ग्रेट, ठीक है, चलिए ग्रेट, चलिए। सो प्रपोजल क्या है, इट इंक्लूड्स बाइंग ऑफ मिसाइल सिस्टम एंड एडिशनल फाइटर। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट विल बाई 33 एयरक्राफ्ट, ठीक है, विच विल इंक्लूड 21 MiG-29 फ्रॉम रशिया एंड 12 न्यू सिखोई 13 फाइटर फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों, एंड विल ऑल्सो इंक्लूड अपग्रेडेशन ऑफ 59 MiG-29। कितना पैसा लगेगा पता है इसमें, ये पूरा फाइटर प्लेन के लिए टोटल पैसा लगने वाला है 16,000 करोड़ रुपया, बराबर, नॉट सॉरी सॉरी नॉट 16,000, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है दोस्तों, दो मिनट, इट इज सम अराउंड 6,800 करोड़ रुपया दोस्तों। इतने में अपने को 33 एयरक्राफ्ट मिलने वाला है, अगर इसके सामने हम राफाल लेने गए ना, ठीक है, राफाल अपने में कितने में पड़ेगा, 1600 करोड़ का एक, तो हम 4 राफाल लेकर आएंगे, उसके सामने 33 एयरक्राफ्ट दोस्तों। ये जो MiG-29 है, ठीक है, और ये जो Sukhoi-30 है, ये काफ़ी पुराना है, ठीक है, ये करीबन 18 साल पुराना मॉडल है, कितना पुराना, 18 साल, Sukhoi 12 साल पुराना मॉडल है, ठीक है, पर दोस्तों ये मॉडल पुराना है, ठीक है, पर उसके अंदर जो तामझाम करके रखा हुआ है ना, दैट इज़ न्यू, तो बहुत अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं, तगड़ा यूज़ कर सकता है, हमारे लिए फायदेकारक है। राफा लेना अच्छी बात नहीं है, हम जितने ज़्यादा राफा लेंगे ना उतना परेशानी है। हमारे पास करीबन कितने स्क्वाड्रन है इंडिया में टोटल, एक 16 से 18 एक स्क्वाड्रन में, एक ऑन एन एवरेज फाइटर प्लेन होते हैं, और इंडिया में टोटल स्क्वाड्रन है करीबन 32, ठीक है, सो इंडिया के पास, ठीक है, एवरेज करीबन 450 के आजूबाजू प्लेन है, ठीक है, ताकि लेकिन से चाइना के पास 55 स्क्वाड्रन है, ठीक है, और उनके पास करीबन अपने से दो गुना ज़्यादा
उनके पास प्लेन है, ठीक है, तो ये उनके पास प्लेन है, तो हमें प्लेन तो चाहिए दोस्तों, हमारे प्लेन काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, हमें इसको रिप्लेस करने चाहिए थे, हम नहीं करे, हमने जो आखिरी में जो प्लेन यूज़ किया था, जो सुखोई 29 यूज़ किया था, उसका नाम था बहादुर, कारगिल वॉर में वो बहादुर ने तगड़ी लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, वो प्लेन भेजा था कारगिल में, है ना, और वो प्लेन ने बिल्कुल जीत गए थे दोस्तों, पर अब हमें तो नंबर ज़्यादा चाहिए, वो बात हो रही थी 1999 में, अभी क्या, अभी तो बहुत सारे नंबर चाहिए, चाइना के सामने हम नहीं जीत पाएंगे दोस्तों, चाइना के पास जो चेंगडू J20 करके एयरप्लेन है ना, वो तगड़े है दोस्तों, तगड़े प्लेन है, ठीक है, एंड वी ऑल्सो मिसाइल सिस्टम गवर्नमेंट विल बाई पिनाका एम्यूनेशन, अस्त्र विच इज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम एयर टू एयर एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है, ये हम परचेस करने वाले हैं, ये टोटल पैसा 39,000 करोड़ रुपया, उनमें से 31,130 करोड़, ठीक है, विल बी इंडियन इंडस्ट्री में आएगा मेक इन इंडिया के द्वारा, और बाकी का पैसा हम रशिया से डायरेक्ट एक्वायर करेंगे, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, है ना, आगे बढ़ते दोस्तों, ये रहे चाइना के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, है ना, जियान H6, है ना, चेंगडू J7 इज ह्यूज, है ना, ये बड़ा पावरफुल, उनके सामने नंबर देखे ना कितने उनके पास, 388, ठीक है, 338, इतने ज़्यादा उनके पास है, चेंगडू J20 ये उनके पास बड़ा पावरफुल है, J16, ठीक है, ये जितने भी है ना, ये उनके कट कॉपी पेस्ट वाले हैं, अमेरिका के जो भी प्लेन है तगड़े वाले, ठीक है, अमेरिका का जो बड़ा सा प्लेन है वो उन्होंने कॉपी करके ये J20 बना दिया, कहीं से भी उन्होंने हैक कर दिया, पूरा लेकिन से ब्लू प्रिंट लेकर आ गया, खुद बना दिया, है ना, स्टील देयर कैपेबिलिटी इसकी काफ़ी तगड़ा है। देखिए इंडिया और चाइना की मिलिट्री की कंपेरिजन करें, ठीक है, देखिए दोस्तों काफ़ी मज़ेदार है, टोटल मिलिट्री पर्सनल इज करीबन 34 लाख, इनके पास 26 लाख है, डिफेंस बजट इज $55 बिलियन, वो लोग करते हैं हमसे 5 गुना ज़्यादा, ठीक है, टोटल एयरक्राफ्ट हमारे पास 2000 के आजूबाजू है, ठीक है, जिसमें काम के इतने अच्छे नहीं है, है ना, मतलब ऐसा मान के चलिए 540 या 600 के करीब में काम के हैं, इनके पास 3000 है, इनके पास भी काम के बहुत सारे बर्बाद है, ये भी कोई मतलब अच्छा नहीं है, हेलीकॉप्टर 692 उनके पास 1000, ठीक है, फाइटर इंटरसेप्टर 520, ये फाइटर प्लेन ये हमारे काम के हैं, इनके पास फाइटर प्लेन 1222, है ना, हमसे 2 गुना ज़्यादा, ठीक है, सामने देखिए सबमरीन्स हमारे पास 16, उनके पास 76, ठीक है, है ना, मतलब ओवरऑल उनके पास स्ट्रेंथ अपने से बहुत ज़्यादा है, पर दोस्तों आज के ज़माने में है ना, कोई भी कंट्री को वॉर करना, एक एक प्लेन आपका 1000-1000 करोड़ का आ रहा है, आप कैसे इसको कर पाएंगे, ठीक है, सो दिस इज़ रियली डिफिकल्ट, ओके, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, मज़ेदार चीज़ हो रही है हमारे सामने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विथ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, ठीक है, विल सेलिब्रेट अपकमिंग आषाढ़ पूर्णिमा विच इज 4th of July एज धर्म चक्र डे, 4 जुलाई, ठीक है, वॉज सेलिब्रेटेड एज धर्म चक्र डे, ठीक है दोस्तों, ये गुरु पूर्णिमा भी माना जाता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर गुरु पूर्णिमा जनरली फॉल्स ऑन फुल मून डे इन द हिंदू मंथ ऑफ आषाढ़, इट इज डेडिकेटेड टू महर्षि वेद व्यास, है ना, ये गुरु पूर्णिमा उनके लिए लगाया जाता है कि ही इज बिलीव टू एडिटेड दिस हिंदू टेक्स्ट वेदास एंड क्रिएटेड 18 पुराणास महाभारत एंड श्रीमद भागवत, ठीक है, इसकी वजह से गुरु पूर्णिमा, है ना, कल संडे को थी, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, है ना, चलिए बुद्धिस्ट फेस्टिवल मार्क्स एज द फर्स्ट सर्मन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, सारनाथ में उत्तर प्रदेश में इन्होंने पहला सर्मन दिया था भगवान बुद्ध ने, एंड देयर बाय इट इज नोन एज, ठीक है, दिस बुद्ध पूर्णिमा, ओके, एंड इट इज ऑल्सो ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है, द फेस्टिवल वुड स्टार्ट ऑफ विद चेंटिंग ऑफ प्रेयर एट सारनाथ वाराणसी इन UP, ठीक है, इज द फर्स्ट फुल मून डे ऑफ आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ महीना होता है दोस्तों, इट इज़ नोन एज इसाला पोया इन श्रीलंका एंड इन थाईलैंड इज कॉल सांच बूचा, ठीक है, सांच बूचा इन थाईलैंड, द सेकेंड मोस्ट सेक्रेट डे इन बुद्धिस्ट बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण डे है दोस्तों, ठीक है, सो रेनी सीजन आषाढ़ महीना होता है और वो आषाढ़ महीने की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है दोस्तों, टीचिंग ऑफ धम्म चक्र
दैट इज धम्म चक्र, धर्म चक्र, ठीक है दोस्तों। ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत में नहीं था। बुद्धिज्म इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाया क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखा गया था पाली में, ठीक है। वहाँ पे चार नोबल ट्रूथ है और नोबल पाथ है, आठ नोबल पाथ है ना। उनमें से नोबल ट्रूथ है कि भैया ये दुनिया में परेशानी होगी, दुख होगा, है ना। और दुख की माता कौन है, ठीक है, दुख की माता है अभी यार देखो क्या गलत गलत चीज़ें बोलोगे ना, तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, ठीक है। ये विकास जायसवाल, आप क्यों छोड़ना, पढ़ाई के लिए आओ ही मत, है ना, आप फालतू में चीज़ें बोल रहे हो, है ना। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, ओके, चलिए ओके। सो दिस इज धम्म चक्र, मैं कुछ मज़ेदार चीज़ बोल रहा था पर मिस हो गया, ठीक है। बुद्धिज्म के बारे में ये जानकारी बिल्कुल पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये PDF आपको मिलेगी protalentdigital.com से, ठीक है दोस्तों। protalentdigital.com एक तगड़ी सी सर्विस है दोस्तों, वहाँ से आपको साल भर ये PDF मिलती जाएगी, आप बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों, बड़ा फ़ायदा होगा। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। रशियन सिटीजन्स हैव सपोर्टेड अ सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेसिडेंसी बाय व्लादिमीर पुतिन इन अ रिसेंटली रेफरेंडम हैपन इन द रशिया। अब इन्होंने मतलब व्लादिमीर पुतिन साहब ने एक रेफरेंडम किया जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी, उनको खुद अपनी प्रेसिडेंसी बढ़ानी थी तो उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी कि आपको मतलब ये प्रोविडेंट फंड मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगा, और पेंशन भी उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ों के द्वारा उन्होंने लोगों से पूछा कि आपको ये रेफरेंडम करना है, ठीक है। ऐसे 10 बार मुद्दों के अंदर ये सब चीज़ें आ गई तो बड़ी परेशानी हो गई। चलिए ग्रेट दोस्तों, है ना ओके। द रेफरेंडम ऑल्सो इंक्लूडेड क्लॉजेस रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूसिंग हायर मिनिमम पेंशन एंड वेजेस, अ बैन ऑन गे मैरिज, रिस्ट्रिक्टिंग टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम होल्डिंग ड्यूअल सिटीजनशिप, एनश्राइनिंग फेथ इन द गॉड एज अ कोर वैल्यू, एंड एम्फेसाइजिंग द प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओवर इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड रूलिंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये उन्होंने बोल दिया, तो लोगों को ये सब बातें तो अच्छी लगेगी ना, तो लोगों ने रेफरेंडम करके उसका अप्रूव कर दिया। नाउ व्हाट इज रेफरेंडम, रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट एंड यूनिवर्सल वोट इन विच एंटायर इलेक्टोरेट इज इनवाइटेड टू वोट ऑन अ पर्टिकुलर प्रपोजल एंड कैन हैव अ नेशन वाइड और लोकल फॉर्म्स, ठीक है। इट सपोर्ट्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी। द रेफरेंडम वॉज ओरिजिनली प्लान फॉर अप्रैल 2020 बट इट वॉज डिलेड ड्यू टू कोरोना आउटब्रेक, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या क्या किया, क्लॉज फॉर कंटिन्यूस ऑफ प्रेसिडेंसी टर्म्स, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन बार्स मोर देन टू कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंशियल टर्म, ठीक है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट चेंज टू टर्म लिमिट इन थ्योरी बट इन प्रैक्टिस इट रिसेट्स मिस्टर पुतिन्स टर्म सो दैट इट विल बी द फर्स्ट इलेक्शन अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिम टू बी हेल्ड इन 2024। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंडम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया that is Vladimir Putin can stay in power for 2 more 6-year terms until 2036 after his first term expires in 2024. So ye bhai sahab 2036 tak to yahi rahenge, hai na, to badi pareshani hai. The amendment have enhanced power of the state council which is an advisory body. Overall changes will help to tighten his grip over Russia, hai na. Vladimir Putin will have a big power over Russia. The proposed changes has already been approved by the parliament and the Supreme Court, but it was put to gain legitimacy and the popular approval. So, logon ne approve kar diya. 78% said yes, 21% said no. Simple. To ab to ye lagu pad gaya. Ab Putin sahab ko president lambe samay se rehna tha. Wo 2000 se president hai. 2000 mein president the. है ना, दो टर्म कंप्लीट करी, फिर उन्होंने अपने एक पिट्ठू को बिठाया जिनका नाम था दमित्री मेदेदेव, ठीक है। उन्होंने स्वॉप किया, ही बिकेम प्रेसिडेंट एंड पुतिन बिकेम प्राइम मिनिस्टर, पर ज़्यादातर वही सब सिस्टम संभालते थे। मेदेदेव साहब ने एक टर्म यू कैन से एग्जीक्यूट करी, उसके बाद पुतिन वापस प्रेसिडेंट बन गए। दस पुतिन इज नाउ इनटू द सेकंड टर्म ऑफ हिज सेकंड स्टिंट एज अ प्रेसिडेंट जो 2024 में एक्सपायर हो रही है।
इफ मिस्टर पुतिन स्टेज इन पावर फॉर टू मोर टर्म्स ही विल बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग रशियन लीडर सिंस पीटर द ग्रेट. द ज़ार हु बिल्ट रशियन एम्पायर वॉज इन पावर फॉर 43 ईयर्स अंटिल हिज डेथ इन 1725. सबसे लंबा चलने वाले ये ज़ार थे, ठीक है, पीटर द ग्रेट, है ना. उनको कहा गया था 43 ईयर्स उन्होंने राज किया. अब देखते दोस्तों ये क्या होगा. चलिए ग्रेट दोस्तों, व्हाट आर द चैलेंजेस. बड़े चैलेंजेस इकोनॉमी टर्म्स में तो बहुत बड़े हैं. अकॉर्डिंग टू IMF द इकोनॉमी हैजंट एक्सपांडेड इन डॉलर टर्म्स, ठीक है, इन द डिकेड. द IMF एस्टिमेट द GDP विल श्रिंक बाई 6.6%. देयर इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम ड्यू टू पेंडेमिक दैट ऑयल प्राइसेस हैव क्रिएटेड बिग प्रॉब्लम. रशिया के फॉरेन रिलेशनशिप विद वेस्ट इज अ ट्रबलसम, है ना. बड़े बड़े सेंक्शंस उनके ऊपर लगाए गए थे. आपको याद होगा G8 में से इनको निकाला गया था जब उन्होंने क्रीमिया अपने हाथ में ले लिया 2014 में. दो रशिया मैनेज टू प्रिवेंट कोलेप्स ऑफ सीरियन रेजिम आफ्टर देयर इंटरवेंशन इन सिविल वॉर, बट सीरियन क्राइसिस तो अभी भी बरकरार है दोस्तों, ठीक है. और रशिया इज फेसिंग लॉट ऑफ एलिगेशन कि वो दूसरों के कंट्री में जाकर इलेक्शन में मगजमारी करते हैं. तो लास्ट ईयर तो उन्होंने किया ही था, मतलब लास्ट इलेक्शन जो USA का था उसमें उन्होंने किया ही था, ठीक है. सो ये रशिया का बड़ी परेशानी, ठीक है. ये अगला मुद्दा है दोस्तों. इन द पास्ट 2 months हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स हैव डाइड मिस्टीरियसली इन बोट्सवानास ओकावोंग डेल्टा. ये देखिए इतने सारे एलिफेंट्स मरे हुए है ना, कैसे मर गए पता नहीं, ठीक है. कहाँ पर हुआ ये, यहाँ पे. ये रहा आपका कंट्री कॉल बोट्सवाना, लैंडलॉक कंट्री है. बाजू में जिम्बाब्वे है, ऊपर जाम्बिया है. जिम्बाब्वे बेचारों की हालत बहुत खराब है, ठीक है. इधर नामीबिया है, ठीक है, और इधर आपके पास साउथ अफ्रीका है, ठीक है. बोट्सवाना का कैपिटल क्या है बताइए दोस्तों. कालाहारी डेजर्ट वहाँ पे ही है, ठीक है. और ये रहा वो डेल्टा, ठीक है. ये है आपका ओकेवोंगो डेल्टा, ओके. चलिए ग्रेट दोस्तों, इज दिस कंफर्टेबल. ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना. सो द कॉज ऑफ डेथ इज येट नॉट वेरी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है. पोचिंग हैज बीन रूल्ड आउट सिंस द डेड एलिफेंट वर फाउंड विथ टस्क, है ना. उनकी टस्क थी इसकी वजह से ये तो निकाल दिया. सेवरल लाइव एलिफेंट्स अपीयर टू हैव बीन वीक लेथार्जिक एंड स्केलेटल विद सम शोइंग साइंस ऑफ डिसओरिएंटेशन डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड लिंपिंग, ठीक है. सो दैट इज वॉट वी डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इज द रीजन. ओकावोंगो डेल्टा इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मेजर इंटीरियर डेल्टा सिस्टम एंड दे डू नॉट फ्लो इन टू द सी और ओशन, ठीक है. आपको याद होगा सुंदरबंस डेल्टा इंडिया का जो सीधा समुद्र को मिलता है, ये समुद्र को नहीं मिलता है. इट्स अ मार्श लैंड सीजनली फ्लडेड विथ प्लेन एंड इट कवर्स कालाहारी डेजर्ट, ठीक है. एंड इट्स एग्जिस्टेंस टू यू से ओकावोंगो रिवर. देयर इज अ रिवर कॉल्ड ओकावोंगो, कावोंगो बोलते हैं उसको. इट्स होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, लार्ज मैमल्स सच एज चीता, वाइट राइनोस, ठीक है, ब्लैक राइनोसरस, ठीक है, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग एंड सो एंड सो फोर्थ. बोट्सवाना इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन सदर्न अफ्रीका. 70% टेरिटरी इज कवर्ड इन कालाहारी डेजर्ट. बोट्सवाना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, ठीक है. 130,000 एलिफेंट है और वहाँ पे इट्स एन ओल्डेस्ट कंटिन्यूस डेमोक्रेसी. दोस्तों बोट्सवाना का कैपिटल बताइए. वेरी गुड दोस्तों, मेरे पूछने से पहले ही लोगों ने बता दिया है, गाबोरोन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. वेरी गुड दोस्तों, ठीक है. चलिए ग्रेट दोस्तों, आई थिंक दिस इज वेयर वी हैव टू क्लोज. यस, ठीक है. थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस. डू नॉट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, एंड डू नॉट मिस आउट टू वॉच आवर ब्लॉग स्ट्रेटेजी बाय टुमारो. कल मैं लेकर आऊंगा दोस्तों ये ब्लॉग स्ट्रेटेजी के लिए. यस, ग्रेट दोस्तों, ठीक है, ओके, यस, ठीक है. ऋषभ लाडे, ईमेल करिए इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि जो protonanddigital.com है, ठीक है, वो 31 मई को पूरा खत्म हो गया था. सो नाउ यू हैव टू मेल सेपरेटली, विल हेल्प यू आउट, ओके. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन.